हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी एंड यू आर ऑन दुष्यंत रॉक चैनल। गाइस, इससे पहले मैं आपके लिए कई तरह के वीडियोस बनाता रहा हूँ, चाहे वो ट्रेलर रिएक्शन वीडियो हो या मूवीज के रिव्यूज या फिर सोशल कॉज पर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग्स और उनके पीछे की कहानियों के लिए भी मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन गाइज, कई दिनों से मेरे चैनल पर जो यूट्यूब के बिगनर्स हैं उनके द्वारा कुछ रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी आप ही की तरह एक यूट्यूब का बिगनर हूँ, यूट्यूब जो मेकर हूँ मैं बिगनर हूँ, शुरुआत की है मैंने भी आप ही लोगों की तरह। तो गाइज, इससे पहले कि मैं इन्फॉर्मेशन जो मैं इसमें मेनली बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। गाइज, जब भी हम यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, उन्हें पोस्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आते हैं। कॉपीराइट क्लेम इसलिए आते हैं क्योंकि अगर हम किसी दूसरा सब्जेक्ट या किसी ऐसा पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हैं जो यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है या फिर जिसका किसी और संस्था का या ऑर्गेनाइजेशन का कॉपीराइट है, तो वो हमें उसे यूज करने से रोकती है, क्योंकि उस जो पर्टिकुलर वीडियो होता है उससे वो अपना मोनेटाइज कर रहे होते हैं और कमाई कर रहे होते हैं। अब मैंने इसमें एक वर्ड यूज करा है, मोनेटाइज। मोनेटाइज वर्ड का यूज हम करते हैं जब हम अपने वीडियोज को मोनेटाइज करते हैं, एड्स के लिए अवेलेबल करते हैं। और शुरुआत में जो बिगनर्स होते हैं उनका एक ही फोकस रहता है कि हम कैसे मोनेटाइजेशन अपना स्टार्ट कर सकें। लेकिन गाइज, ये इतना आसान नहीं है यूट्यूब पर, खासकर अच्छे और क्लीन वीडियो बनाते हुए तो बहुत ही मुश्किल होती है। गाइज, आप बेकार वीडियोस बनाएं, वल्गर वीडियोस बनाएं, आपको बहुत जल्दी व्यूज भी मिलेंगे और सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, लेकिन क्या आप उससे सेटिस्फाई हो पाएंगे? नहीं। तो जैसे मेरे आप वीडियो देखेंगे, मोस्टली जो वीडियोज होते हैं वो क्लीन अप होते हैं और आप उनको इवन फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मोनेटाइज कब होता है आपका चैनल? तब जब आपके चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं गाइज। और 1000 सब्सक्राइबर ओनली क्राइटेरिया नहीं है। कई लोगों के सब्सक्राइबर एक ही वीडियो बना देता है, एक वीडियो उनका वायरल हो जाता है, उससे उनके 1000 क्या, कई 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं गाइज। लेकिन जो सेकंड क्राइटेरिया है मोनेटाइज के लिए, वो है आपके चैनल पर जो टोटल व्यूज के आवर्स हैं वो 4000 घंटों से ज्यादा होने चाहिए। यानी 4000 घंटे तक अगर जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपके वीडियोस को व्यू किया है और 1000 आपके सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तो यूट्यूब आपसे पूछता है कि आप किस तरह की एड्स अपने चैनल पर दिखाना पसंद करेंगे। तो गाइज, वो आपके ऊपर रहता है, आप कौन सा तरह किस तरह की एड्स उसमें दिखाना चाहते हैं। जब आप मोनेटाइज कर लेंगे तो आपको एक गूगल का एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो यूट्यूब है उसका ओनर गूगल है गाइज, तो गूगल एडसेंस आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल के दो जो मेनली होते हैं, एक होता है गूगल एड्स, यहाँ पर आप एड दे सकते हैं, और गूगल एडसेंस जहां पर आपको एड मिल सकती है। दोनों में गाइज फर्क है। तो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है और आपका जो यूट्यूब का अकाउंट होता है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी अकाउंट को लिंक करें अपने यूट्यूब के अकाउंट से। जब आप दूसरी किसी आईडी से बनाएंगे या जिस भी आईडी से बनाएंगे, वहां आपको यूआरएल आपके चैनल का डालने के लिए कहेगा। आप अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसका अकाउंट वहां पर डाल सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के बाद गाइज सवाल उठता है पेमेंट मेथड का। गाइज, इंडिया में यूट्यूब वायर मीडियम है उसको प्रेफर करता है। बहुत सारे मीडियम्स हैं जो अलग अलग देशों के लिए है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिकली इंडिया के लिए जो यूट्यूब के बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखें कि उन्हें वायर जो मीडियम है उसका चूज करना है। और एक और बहुत सिंपल बात गाइज, जो बहुत बेसिक है लेकिन उसके जो जो आउटकम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं गाइज। कई लोग जब अपना एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो उनके जो अरमान होते हैं गाइज, जो भी बोलते हैं महत्वाकांक्षा जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। लाइक उनका एक चैनल है लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा जो चैनल वो आगे जाके इतना बड़ा हो जाए कि मैं उससे एक बिजनेस भी रन कर लूं। तो लोग वहां गलती कर बैठते हैं और जो अपना मोनेटाइजेशन जो एडसेंस का अकाउंट है गाइज उसे बिजनेस चूज कर लेते हैं। और जब पेमेंट की बात आती है आगे जाकर, तो बिजनेस के लिए वो बहुत सारी डिटेल, वैट आईडी,
आपकी और भी अदर टैक्सेस इन्फॉर्मेशन, बिजनेस कब रजिस्टर हुआ, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगता है। और अगर आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो जितनी भी आपने कमाई करी होती है आप उसे नहीं निकाल पाते। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको इंडिविजुअल ही चूज़ करना है। अगर आप अपना अकेले का चैनल बना रहे हैं और बिजनेस सच में सेटअप नहीं करना चाहते, अगर आपका कोई बिजनेस पहले से सेटअप है और उसके लिए आप कर रहे हैं, तो अब आप बिजनेस अकाउंट उसको बनाएं गूगल के एडसेंस अकाउंट को, नहीं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाएं। अब गाइज आपका इंडिविजुअल अकाउंट बन चुका है, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 4000 घंटे भी आपके पूरे हो चुके हैं। अब क्या, अब आता है यूट्यूब का मिनिमम थ्रेशहोल्ड अमाउंट, यानी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके चैनल पे ऐड आ रही हैं लेकिन आप वो पैसा नहीं निकाल पाते पेमेंट मेथड डालने के बाद भी। क्यों? क्योंकि YouTube का एक गाइस मिनिमम थ्रेशहोल्ड अमाउंट रहता है, यानी कि इतना मिनिमम होगा उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। वरना क्या होगा कि आपने YouTube से 1000 की कमाई करी, आपने 100 की कमाई करी, 300 रुपीज़ की कमाई करी, आप बोल रहे हैं अब उसको मैं निकाल लूँ, तो वो ट्रांजेक्शन जो बार बार होता है गाइज उसको रोकने के लिए एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड अमाउंट होता है। और गूगल का इंडिया में मिनिमम थ्रेशहोल्ड अमाउंट है $100, यानी $100 अगर आप पूरे कर लेते हैं तब आप अपना अकाउंट से जो अमाउंट है गूगल एडसेंस अमाउंट से उसे अपने आप को यूज़ करने के लिए निकाल सकते हैं। गाइस इसके बाद एक और चीज़ आती है, यानी आप अगर मेरा वीडियो रिवर्स करके देखेंगे तो आपको एक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने खुद फेस करी थी और मैं नहीं चाहता वो आप लोग फेस करें। तो प्लीज़ जब भी आप चैनल बनाने चाहें या किसी और को अपना चैनल शुरू करने की सलाह दें तो मेरा ये वीडियो देखने की सलाह इसलिए ना दें कि मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने, बल्कि इसलिए कि वो प्रॉब्लम्स जो इन फ्यूचर उसको सब कुछ अच्छा कंटेंट बनाने के बाद भी फेस करने को मिल सकती हैं वो उसे फेस ना करनी पड़े। तो गाइज मिनिमम थ्रेशहोल्ड अमाउंट भी आपने रीच कर लिया, यानी कि आपके $100 भी पूरे हो गए। अब क्या अब आप निकाल सकते हैं अपना अमाउंट? जी नहीं गाइज, आप सोच रहे होंगे कि अब क्या रह गया। तो गाइज एक चीज़ और रह जाती है, ये वो चीज़ है जो आपके इस दुष्यंत रॉक्स चैनल के ओनर को मिली है। इसको हम बोलते हैं गाइज गूगल का जो एड्रेस वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो गूगल एडसेंस पे आपने अकाउंट बनाया है उसमें जो एड्रेस डाला है क्या, तो क्या ये जो पिन, इसको पिन बोलते हैं गाइस, ये पिन होता है, तो क्या ये जो बंदा इस पते पर रहता है कि क्या उसके पास ये पिन मिला है? जैसे हम मोबाइल में हम पेमेंट करते हैं गाइस तो OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, तो ये एक मेलर पासवर्ड है गाइस और ये हमारे जो एड्रेस होता है उस पर आता है। इस टाइप का ये होता है गाइस गूगल, जब आपको अपने अकाउंट से जब आप मिनिमम थ्रेशहोल्ड रीच कर जाते हैं तब आपको ये वो भेजता है गाइस। इसको चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो गाइस इसमें टियरिंग करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन साइड लिखा हुआ है इसमें रिमूव साइड एजेस फर्स्ट, यानी कि पिन वेरिफिकेशन, बहुत सारे लोग पिन वेरिफिकेशन में बहुत जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए गाइस ये बता दूं कि गूगल एडसेंस जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, मिनिमम थ्रेशहोल्ड रीच कर लेंगे, पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे, तो होम पर आपको एक वेरीफाई पिन करके गाइस ऑप्शन आएगा, जहां पर जब आप वेरीफाई करने के लिए एंटर करेंगे अपनी डिटेल्स तो आपको विद इन 2 to 4 weeks ये इस टाइप का एक जो चिट्ठी होती है गाइस, जो मेलर की इंफॉर्मेशन होती है गाइस, इस टाइप का ये आता है। और आप इसके जो साइड एजेस हैं यहाँ से उसको रिमूव करते हैं ताकि जो पिन है वो गाइस ख़राब ना हो। और इसको आप जब आप कर लेंगे गाइस, टियर अप कर लेंगे, तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको एक पिन गाइस दिखेगा। ये पिन सबका होता है और बहुत कन्फिडेंशियल होता है गाइस, इसलिए किसी के साथ शेयर ना करें इसको। और इसको शेयर करने के बाद जब आपको ये मिल जाता है गाइस, इसके अंदर पिन मिल जाता है, तो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट के जो होम पेज है वहाँ पर वेरीफाई करके जो ये डिजिट्स का पिन होता है वो आप डालेंगे और आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा, तब आप जो आपकी मेहनत की कमाई है उसे इंजॉय करने के काबिल और क्या कहें पूरी तरह उसके हकदार बन जाते हैं। तो गाइस
ये एक लंबी चौड़ी कहानी थी जो आप रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अपने नए जो दोस्त हैं जिनको भी यूट्यूब के लिए आप एडवाइस करते हैं, आप खुद शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। ऐसी कोई चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप लोग भी अपने जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको यूट्यूब पर शोकेस करें, क्योंकि ये एक एक पैशन है गाइज। ये हर किसी का ऐसा पैशन नहीं होता कि वो अपनी बातों को सबको बताना चाहे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।